मुंबई के गोरेगांव स्थित एसआर म्यूजिक लैब में भोजपुरी फिल्म तोहरे प्यार में पागल बानी का मुहूर्त संपन्न हुआ है। इस मौके पर अलका झा के सुरीले आवाज में गाने के रिकॉर्डिंग से फिल्म की शुरुआत की गई है। टीनेज में लव पर आधारित इस फिल्म से आदेश पांडे अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। उनके अपोजिट में अभिनेत्री पूनम पांडे दमदार भूमिका में नजर आने वाली हैं। खास बात है कि निर्माता महेश पांडे और निर्देशक रतन राहा इस फिल्म को एक नया अंदाज देने जा रहे हैं, जिसमें शशिकांत मिश्रा और सीनू बाबा भी अहम किरदार में नजर आएंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डायरेक्टर रतन राहा, देखिए ये पिक्चर तोहरे प्यार में पागल बानी, ये एक हीरो दो हीरोइन की कहानी है। बहुत ही जबरदस्त अच्छी कहानी है। हमारे प्रोड्यूसर का बहुत दिनों से दिमाग में था ये स्टोरी, और इसमें काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया। बहुत ही उम्दा लव स्टोरी है और मुझे लगता है ये पिक्चर एक अलग हटके आएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से इसको आप लोगों के सामने में लाने की। जिस तरह से आपके हीरो दिख रहे हैं, क्या एक टीनेजर लव स्टोरी आप प्रयोग कर रहे हैं एक भोजपुरी में लाने के लिए? जी 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 सर, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आ रही है ना, तो लव स्टोरी बहुत कम आ रही है, तो वो देखते हुए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमसे मीटिंग करके फाइनल किया कि लव स्टोरी बनाते हैं। लव स्टोरी बहुत अच्छी है, और लव स्टोरी फैमिली ड्रामा है जो बहुत साफ सुथरी पिक्चर है। पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। इसके गाने तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में देखिए ये हमारे हीरो हैं, इंट्रोडक्शन इनको कर रहे हैं इस फिल्म से, और हीरोइन है पूनम दुबे, एंड विलन में उमेश सिंह जी हैं, और अभी कास्टिंग करना बाकी है अभी और कर रहे हैं। तो फिल्म की आज मुहूर्त की गई है, लेकिन फिल्म की अगर हम शूटिंग की शुरुआत की बात करें, कब तक फिल्म की शूटिंग की तैयारी? जी देखिए, हम लोग तो चाह रहे थे इसी महीने के एंड से शूटिंग करें, बट कई लोगों का मानना है, कहना है कि नए साल में ही शुरुआत करते हैं, तो 2 तारीख से करने का पूरा प्लानिंग है। अगर 28 से नहीं किए तो 2 तारीख से फुल एंड फाइनल प्लानिंग है, और मुंबई के अलग अलग लोकेशनों में इस पिक्चर को करना है। फिल्म के मुहूर्त के साथ साथ गाने की रिकॉर्डिंग भी आज की जा रही है। गाने को आपने जिस तरह से बताया कि काफ़ी अच्छा है, तो सिंगर की बात करें, सिंगर का चयन कैसे किया गया? क्योंकि अगर जब एक लव स्टोरी की मूवी की बात आती है तो गाने भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी जी जी, सिंगर में आलोक कुमार जी हैं, मोहन राठौर हैं, सब मार्केट के हैं, सारे अच्छे सिंगर हैं जो भोजपुरी के नामी सिंगर हैं। और फीमेल में अलका झा हैं, और इंदु सोनाली जी हैं, कई हैं, तो गाने तो बहुत सुंदर बना रहे हैं। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी, जो मेरी और एक फिल्म आ रही है तकरार, उसमें भी उन्होंने ही दिया म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, बहुत पुराने हैं म्यूजिक डायरेक्टर अमन श्लोक जी, तो हाँ जी जी, उनके ही इसमें म्यूजिक में संगीत में ये फिल्म बन रही है, बहुत अच्छे संगीत बन रहा है। आपने हीरो आलोक जी को कैसे चुना, जरा उसके बारे में कुछ बताइए, नया प्रेजेंस कर रहे हैं? सर देखिए, आदर्श जी जो हैं, ये प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस में आना जाना था, तो इनका लुक देख के, इनका गेटअप देख के मुझे बहुत पसंद आया, तो लव स्टोरी टीनेजर के हिसाब से मुझे लगा कि इनको हीरो में लेना चाहिए। फिर प्रोड्यूसर साहब को बोल के मैंने ये हीरो हमने सिलेक्शन किया। नहीं आज ये है रोमांटिक सॉन्ग है, अलका जी आई हुई हैं रिकॉर्डिंग में, एंड मोहन सिंह राठौर हैं सिंगर। पहले हम हीरो से भी बात करते हैं जी, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और इस फिल्म से शुरुआत करने का क्या मकसद है, जरा उसके बारे में बताइए।
मेरा नाम आदर्श पांडे है। एक्चुअली मैं जस्ट आते जाते था ऑफिस में, फिर डायरेक्टर सर मिले मुझे कि बात हुई कि आपका लुक वुक अच्छा है तो एक्टिंग, फिर उसके बाद सर ने मुझे सिलेक्ट किया। तो मैंने कहा सर मैं अपना पूरा 100% देने फुल ट्राई करूँगा, एक्चुअली कर लूँगा मेरे हिसाब से। तो फिर उसके बाद अभी डांस वांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने पहले मूवी में ही अपने उम्र से ज़्यादा की हीरोइन से इस फरमाएंगे, आप क्या कहेंगे उस बारे में? उस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल। देखिए हीरोइन तो अभी इसमें उम्र नहीं देखी जाती है। बहुत सारे एक्टर हैं जो हीरोइन जो है वो माँ का रोल की हीरो के, फिर उसमें लवर की भी रोल की। तो एज ए पिक्चर के स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कास्ट किया पूनम दुबे जी। पूनम जी इनके साथ मैं देखा कि मैच हो रहा है तो उस हिसाब से हमने कास्ट किया। तो आदेश जी आपका पहले से ही एक्टिंग में रुचि थी या फिर ऐसे आपको जब बात हुई और आपने इसके लिए? अच्छी रुचि थी लेकिन फिलहाल तो मैं उसके लिए सीए कर रहा था, तो अभी यू नो कोरोना वायरस आया तो सब बंद हो गया कॉलेज वॉलेज। तो मैं फिर उसके बाद सर मुझे मिले, बोले कि अभी तो सब बंद ही है तो था एक्टिंग कर लो एक बार देख लो ना, वहाँ इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हीरो का, वो भी लीडिंग हीरो हूँ तो कौन कब आएगा फिर। अपने किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार आप इसमें निभा रहे हैं जिसको लेकर आपकी बात? इसमें एक्चुअली मैं एक कॉलेज खास तैयारी भी आपको करनी पड़ी है? एक्चुअली इसमें मैं एक कॉलेज बॉय हूँ, मैं कॉलेज पढ़ता हूँ। फिर और क्या कहना चाहेंगे आदर्श जी आपके साथ? पूनम जिस तरह से एक बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने कई हिट फिल्में भी दी हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो नर्वस है या फिर खुशी है कि उनसे आपको कुछ सीखने भी मिलेगा? एक्चुअली नर्वस और खुशी दोनों है, चूंकि उनके साथ किसी बड़ी हीरोइन के साथ मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, उनके साथ फिल्म करने वाला हूँ, और नर्वस इसलिए कि मैं इससे बड़े हैं वो और सीनियर हैं, गलती ना हो जाए। हाँ गलती हुई फिर है डायरेक्टर है वो तो सभी पहली फिल्म में थोड़ा नर्वस होते हैं। अच्छा आदर सर आप बताइए कि प्रोड्यूसर सर के हैं, प्रोड्यूसर जो अपने हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वहाँ प्रोड्यूसर तो है, अच्छा इन्होंने सब किया है। हमारा प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हीरा इंसान है जो इनको कास्ट किया है, इनको ब्रेक दिया है। देखने वालों को अलका झा का सादर प्रणाम है। और अच्छी फिल्म है जैसा कि टाइटल के हिसाब से लग रहा है कि लव स्टोरी हो, तो मेरा भी सॉन्ग है जो मैं रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, लव सॉन्ग ही है। और आपके सामने जो बैठे हैं काफ़ी टीनेजर हीरो हैं और एक जो कहानी है इसकी कुछ टीनेजर बताई जा रही है, तो आप जो गाना अभी आज रिकॉर्ड कर रही हैं उसको ज़रा गुनगुनाइए, कैसा आपको लगा? गाना भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है जी, जी अभी हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो बस मैंने देखा है बस तो रोमांटिक सॉन्ग है और हालांकि वो सॉन्ग छेड़खानी वाला सॉन्ग है तो अच्छा है, आई थिंक इनके ऊपर सूट भी करेगा थोड़ा सा, और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही शर्मीला लगेगा, मेरे ख्याल से हीरोइन ज़्यादा इनको परेशान करेगी। गाने के बोल क्या हैं? एक लाइन उसके सॉरी मैंने अभी प्रिपरेशन नहीं किया, नहीं नहीं मैं जस्ट आई हूँ तो फिर तुरंत अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट सॉन्ग बहुत अच्छा है और अमन श्लोक जी है म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत ही प्यारा उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है, और पहले से हालांकि आज वो नहीं है यहाँ पर, किसी फैमिली मतलब फंक्शन में बिजी हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब अच्छा करें और आई विल ट्राई माय बेस्ट। भोजपुरी में कुछ बदलाव का दौर चल रहा है, अब नए कलाकार आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि जो पहले मूवी बन रही थी उससे कुछ बदलाव हो, आप इस बारे में क्या कहेंगी एज ए एक सिंगर के रूप में? देखिए बदलाव मैं ये नहीं बोल सकती कि कोई डायरेक्टर बदलाव ला सकता है या कोई प्रोड्यूसर बदलाव ला सकता है, ये सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी बनती है तो वो ऑडियंस होती है, क्योंकि आप कभी भी आप देखोगे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी की उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी होती है जो वो ऑडियंस की होती है, अगर आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा परोसा जाएगा, बट हम कभी भी ऐसा देखते हैं कि जो फालतू के सॉन्ग होते हैं वो एक दिन में 1 मिलियन हो जाते हैं, बट जो अच्छे सॉन्ग बनते हैं उनको लोग 4 लाख 5 लाख मतलब वहाँ तक भी पहुँचने में बहुत मुश्किल होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऑडियंस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। भोजपुरी को लोग अभी भी एक दोयम दर्जे की फिल्म बता रहे हैं, उसको जो साउथ की फिल्मों को एक रीजनल फिल्मों को मुकाम मिलता है नहीं मिल पा रहा है, अभी योगी जी भी यूपी में बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं ताकि
थोड़ा बढ़ावा मिल सके, तो इस नज़र से आप क्या कहेंगे आने वाले दिनों में कैसे सुधार हो? थोड़ा सा विश्वास हो रहा है, लेकिन सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कुछ हमारी जो पहले की विधाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, तो लोग वो चीज़ सुनना ही नहीं चाहते। आप ऐसा सोच लो, हम स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो भी मतलब फरमाइशें ऐसी आती हैं कि हम मतलब हम पूरी ही नहीं कर पाते, ऐसा सोच लीजिए। क्योंकि हाँ ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लोग हमेशा ये बोलते हैं कि वो ऐसा गा रहा है या वो ऐसा गाने बना रहा है, बट वो बोलते हैं आपको जो, अगर आप मेहमान बनकर आए हो हमारे घर में तो आपको जो अच्छा लगेगा हम वही परोसेंगे। सीधी सी बात है, हम ये नहीं सोचेंगे कि आप नाराज़ हो जाओ। तो सिंगर्स और अगर डायरेक्टर्स भी ऐसे गाने अगर वो रखते हैं तो वो ये सोच कर रखते हैं कि ये ऑडियंस को पसंद आएगा, इसमें एंजॉय करेगी ऑडियंस, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फैमिली के साथ नहीं देख पाते हैं। हाँ, नहीं देख पाते हैं, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है ना। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर जब तक हम हर चीज़ को नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगी। अभी आज कल ही मेरा शो था, मीरा रोड में ही शो था, बट हम अच्छे अच्छे शारदा जी के गाने मेरे हमेशा मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनके गाने गा रही हूँ, बट उसमें क्या एक आ रहा है कि एक ये गाना गाएंगे, तो मैंने साफ मना किया। तो बाद में लगता है कि हाँ कौन सी सिंगर आई हैं जो ये गाना मतलब फरमाइश नहीं पूरी, क्योंकि वो मैं नहीं बोल सकती तो मैं नहीं गा सकती, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा हम सभी का एक मतलब बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है, और ये हम एक इंसान नहीं कर सकता कि अगर मैंने नहीं गाना गाया तो फिर कोई और भी नहीं गाएगा। मैंने नहीं गाया ना गाया तो और भी सिंगर्स जो मार्केट में अभी न्यू हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार हमें मौका मिल रहा है तो हम क्यों कुछ भी गाएंगे, सीधी सी बात है। फिल्म तोरे प्यार में पागल वाणी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि उनकी ये फिल्म सुपर से सुपर हिट हो। और जैसा कि न्यू कमर मीन्स की एक टीनेजर्स के लिए मतलब एक शायद मे बी बनने के बाद पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। तो बहुत बहुत बधाई है आदर्शी को भी। और इस मूवी में मैं जो मेन विलन है तो उनके बेटे का रोल कर रहा हूँ। कहानी के बारे में बताइए और किस तरह से आपका किरदार है उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। अभी जहाँ तक मुझे डायरेक्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया है कि जो मेरा किरदार रहेगा, तो मैं उसमें विलन के बेटे के रूप में रोल कर रहा हूँ। और जो हीरो की गर्लफ्रेंड है, जो हीरोइन है, तो उनसे छेड़खानी का मेरा जो रोल है वो रहेगा कि मैं उनको परेशान करूँगा। फिर उनके पिताजी विधायक हैं तो फिर हमको मरवाने के लिए अपना पूरा कोशिश करेंगे। फिर मेरे जो पिताजी मेन विलन हैं मिस्टर उमेश सिंह, तो फिर उनके सहयोग से मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। अभी तक जितना उन्होंने मुझे बताया है तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। जी सर, आपके बारे में परिचय। मेरा नाम महेश पांडे है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। जैसा कि अभी आपको रतन राहा जी मिले होंगे और इन्होंने अपना दिया इंट्रोडक्शन, तो वो हमारे एक फ्रेंड हैं। दो तीन फिल्म में मैंने उनसे मिला और मिलने के बाद में थोड़ा प्रेम मेरा उनका बढ़ा और उन्होंने ऐसा कहा कि कीजिए थोड़ा पांडे जी कीजिए, आइए एक पिक्चर बनाते हैं। तो वो पिक्चर के लिए उन्होंने बोला, तो फिर कहानी हमने ही तैयार किया और राइटर को हमने दिया, कहानी तैयार करके राइटर को दिया और हमने एक कहानी, ऐसी कहानी बनाई है जो कि अभी तक शायद मेरे हिसाब से कोई मूवी आई नहीं होगी। शायद एकाक आई होगी, थोड़ा बड़ा मिलता होगा, लेकिन मैंने ना तो किसी का कहानी से कोई मेल रखा है ना कुछ है, एकदम अलग कहानी है। दो बहनों की कहानी है, दोनों सहेली हैं, जो कि आज के डेट में चल रहा है। यहाँ से यहाँ देखो या वहाँ देखो, बड़े बाप की बेटी है, हीरोइन जो है बड़े बाप की बेटी है, इकलौती है। तो ऐसा कहानी में हमने डाला हुआ है कि वो थोड़ा नक्षत्री टाइप में रहती है, थोड़ा घमंडी टाइप में रहती है, तो हीरो थोड़ा लो क्लास का है, तो पहले तो उसको मालूम नहीं था, तो वो प्रेम कर लेती है, बाद में उसको इग्नोर कर जाती है कि तुम हमारे लायक नहीं हो। तो हमारे कहानी से हम संदेश देना चाहते हैं लोगों में कि कोई किसी का नसीब लेके लिखा नहीं है और जाना नहीं जाता। बाद में वही हीरो हमारा जाके आईपीएस बन जाता है, जब तब वो हीरोइन फिर वापस वहाँ पर एंट्री मारती है कि हम शादी करेंगे तो इनसे करेंगे। सर, इसमें बड़े कोई आर्टिस्ट आप नहीं ले रहे हैं हीरो के रूप में, तो आपको रिस्क नहीं लगता है? नहीं 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 नहीं, रिस्क नहीं लग रहा है, चूँकि जो हमने हीरो लिया है वो हीरो उगता सूरज है और हमको ऐसा दिखा कि मतलब पुराने तो बहुत लोग देखे हैं और रोज देख रहे हैं। अगर नया हम कुछ डालते हैं, ऑब्वियसली लोगों को ये होता है कि भाई नई चीज़ कुछ आती है मार्केट में तो पहले लोगों का ज़्यादा वो होता है। तो हमने एक नया उगता सूरज लिया है, जिससे कि हमको लग रहा है, पूर्ण विश्वास है कि हम इस मूवी को अच्छे से ये करेंगे।
सर, तोहरे प्यार में पागल बानी एक नई मूवी का लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, नमस्कार करूँगा, हर हर महादेव कहूँगा। सर, ये फिल्म बहुत ही प्यारी बन रही है और इसके डायरेक्टर जो हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, रतन भैया, रतन राहा जी डायरेक्टर हैं, बहुत प्यारी फिल्म बना रहे हैं। और ये हमारा छोटा भाई जो है इसमें एज ए हीरो कर रहा है और फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है। फिल्म की स्टोरी तो मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं नरेट करूंगा, लेकिन इतना कहना जरूर चाहूंगा कि ये एक्शन लव स्टोरी है और बहुत ही जोरदार और धमाकेदार फिल्म में होने जा रही है। आपका सर इसमें क्या किरदार है, किस तरह से इसमें रोल कर रहे हैं, उसके बारे में जरूर बताइए। सर देखिए, मैं कभी अच्छा काम तो कर नहीं सकता हूँ, खलनायक है तो खलनायक ही करेगा, लेकिन इसमें रतन जी मुझसे कुछ अलग कराना चाह रहे हैं और वो जो है फिल्म आने के बाद पता चलेगा। सर, बाकी जो मूवी आ रही है उसमें कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है इसमें, तो उसको लेकर कितनी आशाएं हैं भोजपुरी को? सर देखिए, क्या है कि अभी अगर नई तकनीक के साथ और अच्छे फिल्में नहीं बनाई जाएंगी और ऐसे यंग चैम अगर नहीं आएंगे हमारे भोजपुरी में, तो भोजपुरी का जो है ग्राफ जो है जहां है वहीं टिका रहेगा। अब जो है जैसे रतन सर वगैरह जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एक अपने आप में अनूठा कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट जब आएंगे हमारे, तो हमारी भोजपुरिया माटी का, मेरी मातृभाषा का जो है नाम बढ़ेगा। और जिस तरीके से आज एक छोटी सी इंडस्ट्री साउथ है और बड़े 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 बजट में फिल्म बनती है और छोटे से दायरे में रिलीज होती है और बहुत सारा पैसा कमाती है, उसी तरीके से हमारा भोजपुरी भी उस तरफ पहल किया हुआ है और बहुत ही अच्छा उसका मुकाम हो रहा है। जैसा कि नाम है तोरे प्यार में पागल बानी, तो नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और खास करके जिस उम्र में आदर्श पांडे जी हैं, इस उम्र में प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल होते हैं बच्चे, तो सारे इस टीनेज एज के बच्चों की जो ये व्यथा है जो इस फिल्म में रतन राहा जी जो कुशल निर्देशक हैं अपने निर्देशन के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे और आज इसका सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, तो हमारी शुभकामनाएं। आदर्श जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और जिस एज में है, जिस तरह का इनका मतलब लुक है, मुझे लगता है कि इस एज में अभी भोजपुरी में कोई हीरो है नहीं, तो जो भी हैं लगभग सब अपनी उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, टीनेज के बच्चे अभी कोई नहीं है, तो ये एक शुभ संकेत है भोजपुरी में। और एक अच्छी सिनेमा जो इस उम्र के अगर हीरो को लेकर कोई सोचे तो कोई है नहीं, तो ऐसे में आदर्श जी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाना लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा और ऑडियंस भी चाहती है कि कुछ अलग सब्जेक्ट की फिल्म बने, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आदर्श जी के लिए। धन्यवाद। अगर आपके किरदार की बात की जाए, आप किस तरह के किरदार इस फिल्म में निभा रहे हो, और आपके पास जब ये प्रोजेक्ट लेकर डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से बात हुई होगी, तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास लगा कि अगर आपने इस फिल्म के लिए हामी भरी है? पहले बात देखिए, एक नया हीरो फिल्म के माध्यम से आ रहे हैं आदर्श जी, और जो इनका लुक है, और रतन राहा जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, हालांकि इनके निर्देशन में काम करने का मौका इसके पहले नहीं मिला मुझे, तो पांडे जी जो हमारे निर्माता महेश पांडे जी, इन्होंने मुझे संपर्क किया, और हमारे उमेश भाई जो इसमें हैं, हम और उमेश भाई की जोड़ी कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुकी है, तो इसमें विधायक का रोल है जहाँ तक मुझे बताया गया है, लड़की का, तो हीरोइन के पिता का रोल है, तो रोल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा भी डिटेल नहीं है, लेकिन यह है कि लड़की के पिता का रोल है, विधायक का रोल है, टाइटल अच्छा है, कहानी अच्छी है, निर्देशक अच्छे हैं और हीरो आपके सामने है, वो कहने की बात नहीं है, कैमरा अपने आप सब बोलेगा, तो सब कुछ अच्छा ही, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।